री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट के माध्यम से जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज के इस संक्षिप्त सेशन में हम लोग जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ही जो है समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का जो है टास्क फोर्स है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कि कोई एक ऐसा संगठन हो जो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो है परियोजनाओं इत्यादि के बारे में काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा टास्क फोर्स है जो बेसिकली आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और दूसरे क्षेत्र में जो है ये नियामक संस्था के रूप में जो काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क और फोर्स FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको जो है कहा जाता है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो ये 1989 ईस्वी में जो है की गई है और ये G8 या G7, क्योंकि पहले ये G7 था, बाद में रूस इसमें जुड़ा, पुनः रूस को इससे बाहर किया गया, तो ये G7 G8 के बीच में जो है ये संस्था फ्लक्चुएट करता रहता है। और इसके जो मुख्यालय है वो फ्रांस में जो है, फ्रांस के शहर जो है पेरिस में इसका मुख्यालय बनाया गया है। बेसिकली है एक यूरोपियन कंट्री है और पेरिस वहाँ का एक महत्वपूर्ण जो शहर है जहाँ पर इसका मुख्यालय जो है बनाया गया है, किसका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अब बेसिकली इसका कार्य क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका महत्व क्या है, इन्हीं पृष्ठभूमि में हमें ऐसे संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से दो तरीके के का जो काम करता है, एक जो है नियंत्रक काम होता है, एक नियामक काम होता है, यानी कि एक जो है वो नियंत्रक के रूप में जो है काम करता है, नियंत्रक के रूप में काम करता है, और दूसरा जो है ये नियामक के रूप में भी जो है कार्य करता है। नियंत्रक के रूप में जो है काम करने के लिए जो है इसका मुख्य कार्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने के संदर्भ में इस प्रकार के गतिविधि पर नियंत्रण करता है जिससे जो टेररिस्ट जो है या उनके ऑर्गेनाइजेशन है उनके फंडिंग को रोका जा सके, जिससे उनको कमजोर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ने से रोका जा सके। तो ये बेसिकली एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग को जो है रोकने की दिशा में काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की दिशा में काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये बेसिकली समझने के पहले हमें इस बात को समझना होगा कि काला धन या गलत तरीके से जो है कमाई गई धनराशि। अब काला धन ये होता है कि कर अपवंचित जो धनराशियां होती हैं, इनकम होते हैं, वो काला धन की श्रेणी में होते हैं, या कोई ऐसा जो है धन किसी व्यक्ति के पास जो गलत तरीके से जो है कमाए गए हैं। इन दोनों ही अवैध किस्म के जो है धनराशियों को एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से उसको जो है वैध धनराशि में बना दिया जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धुलाई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धनराशियों की या पैसे की धुलाई, ये तो बात कुछ थोड़ा सा अटपटी सी लगती है, परंतु यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है के पास काला धन है या गलत तरीके से अपनाया गया धन है और इसको जो है वैध धनराशि में बदलने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कहलाती है जो है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर भी जो रोक लगाना इसका एक दूसरा जो कार्य है। और तीसरा कार्य है कि सामूहिक विनाश के जो है हथियारों के प्रचार प्रसार को रोकने से संबंधित जो क्षेत्र में भी जो ये कार्य करती है। आज के डेट में सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में चर्चा करने पर थोड़ी सी सामान्य स्थिति लगती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखें तो पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बट गई, एक साम्यवादी या समाजवादी और दूसरी तरफ जो पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसका अमेरिका और साम्यवादी देशों का जो है समर्थन USSR यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक के माध्यम से जो है किया जा रहा था। तो इसके जो है माध्यम से इसको रोकने के लिए जो है कार्रवाइयां की गई थी। तो कुल मिलाकर के ये तीन रूप में जो है ये काम करता है, एक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, दूसरा आतंकवाद के क्षेत्र से निपटने के लिए जो काम करता है, और तीसरा जो है सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रचार को रोकने का काम करता है। तो ये दो रूपों में जो है ये काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो है 2002 ईस्वी में एक जो है एक्ट भी जो है बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग
प्रिवेंशन एक्ट जो है 2002। अगला नियामक संस्था है जो कि वित्त से संबंधित है, तो यह इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए जो उपाय बनाए जाते हैं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा इसके स्तर से जो है की जाती रहती है। तो यह इस रूप में जो एक नियामक संस्था भी हो जाती है जिसका स्वरूप जो है वो अंतर सरकारी संगठन के रूप में होता है। अंतर सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जो बेसिकली जिस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का होता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और यह संस्था ऐसे क्षेत्रों में जो काम करती है जहां पर इन सभी जो देशों के हित जो है वो समान होते हैं, यानी कि समान हितों के लिए यह संगठन बनाई जाती है और सभी देश इससे जो है जुड़े हुए होते हैं। तो इस रूप में जो है यह संस्था जो काम करती है जिसका नाम कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में G8 के देशों के जो है माध्यम से फ्रांस के पेरिस शहर में जो है मुख्यालय के रूप में जो है की गई है। तो कुल मिलाकर के यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। बेसिकली एक और मैं बात बताना चाहूँगा, एक तो जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ उससे हट करके इस तरीके के टॉपिक पर आधारित भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे मेंस के या इंटरव्यू से जो है जुड़े हुए होते हैं। तो इस पे आपको एक नोटबुक बनाना चाहिए जहाँ पर इस तरीके के टॉपिक को जो है लिखते चलना चाहिए, जिससे धीरे धीरे जो है इन सभी विषयों से संबंधित जानकारी आपके पास बढ़ती जाती है और परीक्षा में आपको जब यहाँ से उत्तर लिखते हैं तो उस पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं अपेक्षाकृत सामान्य प्रश्नों के। तो कुल मिलाकर के आज के इस संक्षिप्त सेशन में जो है हम लोगों ने जो है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जो पढ़ा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी जो संगठन है जो आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों से दुनिया को बचाने की दिशा में जो है उसके प्रसार को रोकने का कार्य करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पूरा अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।